ये दुख काहे खत्म नहीं होता है भाई। ये वाली बात एक्चुअली मुंबई इंडियंस बोल रही है, क्योंकि मुकाबला एक नहीं जीत रहे हैं। ऑन द रोड गए थे पहले राजस्थान, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, और वापस जा रहे हैं बिल्कुल खाली हाथ, ठन ठन भोपाल, क्योंकि एक भी मैच नहीं जीते, तीन लगातार मुकाबले हार गए जब से ये बाहर की तरफ निकले हैं। और लखनऊ ऑन द अदर हैंड सही है, लगे रहो क्वाइटली, जस्ट मेक इट इन टू द टॉप फोर, वो कोशिश कर रहे हैं। पंजाब वर्सेस चेन्नई, यानी कि किंग्स वर्सेस किंग, ये मुकाबला होगा शाम को। और मयंक यादव हु इज बैक नाउ, उनका मेरा पहला आज दिखा देता हूं आपको। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और दो तीन चीजें बताता हूँ, ओपिनियन का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताऊंगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं डाल रहा हूँ, प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि वहां पे अपनी टीम्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यू आर डूइंग ऑल राइट। और बस बाकी तो मैच की बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से, और मयंक से मुलाकात वो भी कराऊंगा। पर इस मुकाबले में सी के एल राहुल ने आज वो दिल तोड़ने वाली एक वो भी डाली, ट्वीट भी डाली, तो दिल टूटा है भाई का। लग रहा था कि थोड़ा सा आग लगी हुई है कि यार नाम आना चाहिए था। एक्चुअली रवि बिश्नोई को भी लग रहा था, क्योंकि रवि बिश्नोई बेचारे वो 6 नंबर पर हैं, अगर आईसीसी के टी ट्वेंटी आई रैंकिंग्स देखे बॉलिंग की तो वो 6 नंबर पे हैं। तो इफ ही इज फीलिंग कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, वो भी सही है। के एल राहुल सोचे कि मेरे साथ भी ऐसा, मैंने क्या गलत कर दिया, तो वो भी सही है। पर ठीक है भाई, सेलेक्टर्स ने जो किया वो भी सही है, सब सही है। पर सही जो नहीं है वो है मुंबई इंडियंस की फॉर्म, क्योंकि मुंबई इंडियंस, और पहले तो रोहित शर्मा के पिछले 3-4 बर्थडे जो हैं वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चले हैं। 5 गेंदे खेलते हैं पिछले 4 बर्थडे में, और हर में 1, 2, 3 और 4 ऐसे इनका टोटल रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पर रन नहीं बना पाते हैं और विकेट एक के बाद एक गिरते ही जाते हैं। कमाल ही हो रखा है वैसे, जिस प्रकार की क्रिकेट खेल रही है इस समय मुंबई, यू फील सरप्राइज एंड स्लाइटली शॉक्ड। सूर्य कुमार यादव डाउन द लेग साइड आउट हो जाते हैं, फिर तिलक वर्मा आउट हो जाते हैं, कोई रन आउट हो जाता है, कोई कुछ चल रहा है, फिर निहाल वडेरा थोड़े से रन बनाते हैं ईशान किशन, बट दैट वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ। टिम डेविड भी बाद में मार लेते हैं, पर कुल मिला के हार्दिक पांड्या फर्स्ट बॉल डक। तो जो एक्चुअली विश्व कप जा रहे थे, जरा वो अगर सोचा जाए तो रोहित शर्मा जा रहे हैं 4 रन बनाते हैं, सूर्य कुमार जा रहे हैं वो 10-12 रन पे ऐसे डाउन द लेग आउट हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या जा रहे हैं वो 0 पर आउट हो जाते हैं पहली बॉल पे, बुमराह जा रहे हैं उनको एक भी विकेट नहीं मिली। तो एमआई के 4 खिलाड़ी हैं जो जा रहे हैं इस समय इंडियन टीम में। और ये वाला मैच जो था, मतलब सिलेक्शन की सेलिब्रेशन कोई नहीं कर पाया है, तो थोड़ा सा दिल होता है। सामने वाली गेंदबाजी अच्छी थी भैया, चाहे वो मोसिम खान हो या फिर मयंक, थोड़े महंगे थे पर एंड में वो भी विकेट लेकर गए, पर ओवर पूरा नहीं किया, विच हर्ट्स मी। रवि बिश्नोई अच्छी बॉल डाल रहे थे, वो भी एक विकेट लेकर जाते हैं। मतलब सबने, जिसने भी गेंदबाजी की उसने तो अच्छा ही किया ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको रन ही आपने टोटल 144 बनाया। अब 144 रन का डिफेंस तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि यू कांट डिफेंड द इनडिफेंसिबल, तो ये तो वही वाली कहानी थी कि बिल्कुल रन नहीं थे बोर्ड पे। और अपने आप को ये दोष देंगे क्योंकि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, इतनी पुख्ता बैटिंग लाइनअप, ऐसा लगता है कि तोड़ फोड़ कमाल। पर वन मोर टाइम वी गेट टू नो कि खेल पेपर पे नहीं, मैदान पे खेला जाता है। और पेपर में जो अच्छी टीम लग रही थी इस टूर्नामेंट से पहले, शायद सबसे मजबूत लग रही थी, दे हैव डिसइंटीग्रेटेड, मतलब खेले ही नहीं है अच्छा, वो गाड़ी चली ही नहीं है। फिर आती है जी चेस की बारी। अब चेस के अंदर एक तरफ क्योंकि गुंडन डीकॉक को ड्रॉप कर दिया गया था इस मुकाबले के लिए, एशन टर्नर को लाया गया था, एक नए ओपनिंग पेयर के साथ उतरते हैं, सामने आते हैं अश्विन कुलकर्णी, बेचारे पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं, मतलब क्या ही है यार। वो वैसे रिव्यू अच्छा लिया हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस ने, तो वो तो शारा की विकेट होती है, पर 2 विकेट ले जाते हैं कप्तान साहब, तो ये अच्छा रहा, कम से कम बैटिंग रन नहीं बने तो कुछ तो किया हार्दिक पांड्या ने, 2 विकेट लिया। एक्चुअली बॉलिंग अभी भी मेरे हिसाब से, स्पीडोमीटर नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ देख रहा हूं क्या धार आ रही है, तो उतनी धार नजर मुझे तो पर्सनली नहीं आ रही है। जसप्रीत बुमराह का अभी कुछ हो गए 2-3 मैच जिसमें थोड़ा ठंडे नजर आए, वो भी मतलब जयपुर, दिल्ली एंड लखनऊ तीनों मुकाबलों में वो पुराना जो बुमराह, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल वाले बुमराह थे, वो ऐसे नजर नहीं आए। जराल कोहली शुरू में जो चौके पौके खाते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था क्या ही कर रहे हो यार, एक विकेट एंड में वो ले जाते हैं। पर मार्कस स्टोइनिस ये इस टीम को पसंद करते हैं, पिछली बार भी रन बनाए थे, इस बार भी रन बनाए, विकेट भी इन्होंने ली, ही वॉज वेरी वेरी गुड, और मैंने इनको अपनी पहले टीम का बनाया था वाइस कैप्टन, फिर एंड में फिर मैंने सूर्या को बना दिया था, थोड़ा नुकसान हो गया, एनी हाउ कोई बात नहीं। तो मार्कस स्टोइनिस रन बनाते हैं, केएल राहुल जब तक खेल रहे थे तो एक आधे जब उन्होंने शुरू की 2-4 फॉलो के बाद तो जो 2-3 शॉट मारे ऐसा लगा खुंदक में मारे भाई ने, पर अल्टीमेटली क्या होता है, थोड़े से हिकअप होती है, एक अंपायरिंग का मुझे समझ में नहीं आया, बडोनी को आउट कैसे दे दिया पता नहीं, आई मीन ऑन फील्ड अंपायर गलती करते हैं, आपको तो बाहर वाले अंपायर भी गलती कर जाते हैं। खैर उनको आउट दे दिया गया पर उससे कोई फर्क वर्क पड़ा नहीं है, एंड ऑफ द डे टीम जीत जाती है। हुड्डा ने भी थोड़े से रन बनाए थे, निकोलस पूनन ने अंत कर दिया, और लखनऊ सुपर जायंट्स आर लुकिंग सुपर, अच्छा कर रहे हैं। मुंबई द स्टोरी इज डन एंड डन, ये नहीं जा पाएंगे, ये बात शायद अपन को खुद भी एहसास हो गई होगी।
ये सवाल आ गया मेरे सामने भैया, ये चेन्नई जीतेगी नहीं जीतेगी इस मैच में? मैं कह रहा हूँ जीत जाएगी। आई मीन वैसे तो जो टॉस जीतता है यहाँ पे मैच ज्यादातर वो जीतता है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ चेन्नई जीत जाएगी, अपने घर पे अच्छा खेलते हैं। दूसरा सवाल आ गया कि क्या 30 में 30 बना देगी पहले चेन्नई? मुझे लग रहा है शायद नहीं बना पाएगी, क्योंकि अजिंक्य रहाणे तो वैसे भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और ऋतुराज अकेला कितना मारेगा, और हो सकता है कि कोई नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अगर आप सोच रहे मैं करके आ रहा हूँ, और कुछ नहीं जी, मैं अपनी प्रोवो पे ओपिनियन यूज करने वाला हूँ, आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। प्रोवो इज एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के हिसाब से कैटेगरी चूज करो, आसान सवालों के जवाब येस नो में देके आप पैसे कमा सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या 2 या 2 से 2 विकेट चटका देगा पंजाब इन द फर्स्ट 6 ओवर्स? 2 थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसमें भी मैं 9 पे लगा दे रहा हूँ। और जीएसटी का ध्यान ये लोग रखें, करोड़ों लोग खेल चुके हैं, आप भी खेल सकते हैं, लाइव मैच के दौरान खेल सकते हैं, और जीएसटी दिल टेक केयर ऑफ, एंड जीते हुए पैसों को आप अनलिमिटेड विड्रॉ भी कर सकते हैं। और सिर्फ कैश नहीं है इसके अंदर, आपको कार भी है, थार भी है, और आईफोन्स एटसेट्रा, देयर इज प्लेंटी टू विन। और अगर मेरे कूपन कोड और मेरे लिंक से जाओगे, दैट आई एम पुटिंग इन डिस्क्रिप्शन, तो आपको अप टू ₹500 भी मिल जाएंगे। तो इस पूरे इंडियन T20 सीजन प्रोमो करो, ओपिनियन का इस्तेमाल करो, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ध्यान से। चेन्नई के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट ही मुकाबला हो गया है दोनों के लिए, वैसे देखा जाए तो एक टीम जो है पिछला रिकॉर्ड बना के आ रही है, 262 चेस करके आ रही है, और चेन्नई ने भी देखिए गिली गेंद से डिफेंड कर लिया अपने घर पे, मुश्किल होता है यहाँ पे डिफेंड करना, पर कर लिया इन्होंने, क्योंकि बॉल बहुत गीली हो रही है इस समय चेपॉक के मैदान पर, गर्मी भी बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, बाबा रे बाबा, हीट वेव है प्रॉपर उधर। अब इस मैच से एक बार फिर जो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करना चाहेगा, चेज में अपने आप को बैक करना चाहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द चेन्नई फ्रेंचाइज, मतलब होम टीम की बात करते हैं, कौन से 3 खिलाड़ी? इट्स इम्पॉसिबल टू लुक बियॉन्ड ऋतुराज गायकवाड, जिस तरीके की फॉर्म में है, बैक टू बैक ऑलमोस्ट 100 मार दी उन्होंने, दूसरे में नहीं हुआ था 100, पर जिस तरीके की फॉर्म में है वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, वो क्रिकेट की वो कहते हैं बिल्कुल सुच्ची बैटिंग, वो शुद्ध देसी की वाली जैसे मैं कहता हूँ, उस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, मिलावट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ड्राइविंग करते हैं। और इस समय तो मुझे लग रहा है कि दिल में ना टीस भी होगी कि यार क्या यार मेरे को वर्ल्ड कप लेकर जाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद इनका नाम प्रपोज किया था पर जगह नहीं बन सकती थी, ये इनको भी शायद पता होगा, थोड़ा सा अनफेयर लगता जरूर है, क्योंकि रन तो जब जब इन्होंने खेला तब तब बनाए हैं, पर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि 3 ओपनर ही जा सकते थे, उसमें एक रोहित हैं, कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल तो मतलब एक ही लेफ्ट हैंडर हैं, तो कैसे ही जा सकते थे ऋतु, बट देन दिस मैच के लिए ऋतुराज गायकवाड हो सकता है कि और जरा दमखम से आए, तो प्लेयर नंबर 1 इन फोकस, दूसरा जो है वो ऑलरेडी फ्लाइट में बैठ चुका है, मेंटली वो जा चुके हैं, शिवम दुबे उनका सिलेक्शन हो चुका है। इंडियन टीम के लिए बड़ा सवाल होगा कि क्या इनको आप 11 में खिला पाएंगे, अगर नहीं खिला पाएंगे तो ये ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस होगी, क्योंकि आप चाहते हैं इनको खिलाना पर खिला नहीं पाओगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज द वाइस कैप्टन, अगर हार्दिक वाइस कैप्टन है तो फिर 11 में तो वही खेलेंगे ना, तो इसका मतलब हो सकता है शिवम दुबे को खेलने का मौका ना मिले, तो फिर यहीं पे मारते जाओ, और इतना मारो जैसे आपने दरवाजा तोड़ा ना मार मार के, ऐसे आप 11 के अंदर भी घुस जाओ, तो इसलिए शिवम दुबे के एक बार फिर फोकस बहुत रहेगा। सामने वाली टीम में गेंदबाजी वैसे भी ओके ओके चल रही है, उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तीसरा खिलाड़ी की तरफ मैं जाऊंगा इस बार, मथीशा पथिराना वैसे होते हैं हमेशा मेरे फेवरेट, उनकी तरफ जाता हूं, पर मुझे लगता है शायद थोड़ी धीमी पिच पे खेल जाए चेन्नई, तो रविंद्र जाडेजा कुड बी दैट गाय। और एक सवाल रहता है इनके ऊपर कि T20 में इनका जो बैटिंग नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक बैटिंग नहीं करते हैं, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी तब करते हैं जब पिच में थोड़ी मदद हो, तो अगर कहीं पहले गेंदबाजी आती है ही विल बी मोर देन अ हैंडफुल, क्योंकि सामने जॉनी बेस्टो भी होंगे, वहाँ प्रभ सिमरन भी होंगे, वहाँ पे जो भी होते हैं मतलब होते हैं विदेशी बल्लेबाज काफ़ी होते हैं, तो उनको वहाँ पकड़ने का मौका आपको मिल जाता है। सो आई एम थिंकिंग दैट राई रूसो में भी देखते हैं कौन पक्का कर सकते हैं, तो मैं सोचूं जड्डू बैटिंग में इनको ऊपर भेजते हैं तो थोड़ा धीमा कर देते हैं गेम को, तो कोशिश ये रहेगी जड्डू के दृष्टिकोण से कि जरा बड़े बड़े शॉट लगाएं, ताकि हम जैसे लोग जो कभी कभी बात करते हैं कि जड्डू का स्ट्राइक रेट का क्या चक्कर है, जड्डू कितना मार रहे हैं, तो उनको कहें यार रहन दो यार, सुनो मेरी बात, मैंने यहाँ खेला है, मैं करता है, अपन समझ गया मतलब ओके फाइन। तो रविंद्र जाडेजा विल बी माय थर्ड गाय, पर ये आसान मैच नहीं होगा अगर कहीं चेन्नई टॉस हार जाता है तो, क्योंकि फिर पहले बैटिंग का खुद करनी पड़ेगी और बहुत रन बनाने पड़ेंगे, 220 तक जाना पड़ेगा। नाउ लेट्स शिफ्ट फोकस ऑन पंजाब। पंजाब की स्टोरी है कि पंजाब ने अपने युवाओं में थोड़ा सा दिखाया है, निवेश किया है, पर अब जो है वो जर्मन गाड़ी जो खरीदी थी ना, क्योंकि जर्मन गाड़ी जब आप खरीदते हैं कहते हैं ये तो ऑटोमेटिक है, ये तो अपने आप चलेगी, उसको धक्का लगाना पड़ता है तो दिल को बड़ा दुख होता है, होता है ना, जैसे जॉनी बेस्टो के साथ हो रहा था, लियम लिविंगस्टन के साथ हो रहा था, ये राइली रूसो के साथ हो रहा था। अब जॉनी ने 100 बना दिया, पिछले मैच में जॉनी ने बहुत पिटाई की और बहुत अच्छे से पिटाई की है, तो अगर चेन्नई इस बार भी डिसाइड करते कि हमने नहीं करानी स्पिन शुरू के 6 ओवर में, क्योंकि इनका भी कुछ अलग से ही कमिटमेंट है, नहीं कराते हैं, तो फिर हो सकता है कि इनको ये एक बार फिर अच्छी शुरुआत दे दे, तो माय फर्स्ट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज जॉनी बेस्टो। हालांकि मुझे लगता है कि इस मैच में इनको ये फंसा लेंगे ऐसा मुझे लगता है, बाकी गॉड ओनली नोज, क्योंकि ये वाइड गेंदे डालेंगे या फिर बिल्कुल 3 स्टंप्स के बीच में पॉइंट को इसको लेग पीछे करके डालेंगे, दे फिगर आउट, और अगर कहीं स्विंग हो रही है दीपक चाहर की तो ही विल बी मोर देन अ हैंडफुल एनी विच वे, क्योंकि
उनका दिल भी तो चला होगा कि मेरे को भी आपने कोई कंसिडर ही नहीं किया, मैं तो ट्रेलिंग रिजर्व का हिस्सा भी नहीं हूँ, वहाँ भी खलील और आवेश है, मेरा नाम नहीं है। तो फिर दीपक चहार और बोए बेस्ट हो, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। और दूसरा खिलाड़ी ऑफकोर्स शशांक के आगे तो मैं देखता ही नहीं हूँ आजकल, क्योंकि बंदे के अंदर ना बहुत मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करता है, खेलता है एकदम तरीके से, और सिर्फ दम नहीं है, दम तो बहुत है वैसे, कवर्स के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, सामने की तरफ, और ऐसे करके स्वीप शॉट भी मार देता है। पर ये क्रिकेटिंग स्मार्ट्स बहुत हैं इनमें, कि किस गेंदबाज को कब मारना है, किस दिशा में मारना है और कितनी जोर से मारना है। उस दिन सुनील नारायण को डिफेंस कर रहे थे, कहते नहीं नहीं इनको मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा, तो मैंने बिल्कुल इनके पंगा नहीं लेना था। दैट्स व्हाट ही सेड ऑन आवर पोस्ट मैच शो जियो सिनेमा पे। तो दूसरा खिलाड़ी शशांक, क्योंकि रन्स बना रहे होंगे काफी सारे, अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तो भी, बाद में आती है तो चेज में तो इनका काम आ ही जाता है। थर्ड प्लेयर आई एम थिंकिंग, क्योंकि अर्शदीप सिंह का सिलेक्शन हो गया है तो अर्श की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलिंग ये भी अच्छी नहीं कर रहे हो, उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं। सुनील नारायण के सामने तो बैक ऑफ द हैंड स्लो रन कर रहे थे, क्यों कर रहे हो यार, और वाइडे डाल रहे थे, मतलब सी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है मुझे अर्शदीप, तो प्लीज अर्श इस वाले मैच में अच्छी गेंदबाजी करनी है, आगे की तरफ डालना है, अंदर लाना है। ऋतुराज का लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्मर्स के सामने थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो प्लीज डू द नीडफुल यार, तो आप अच्छी गेंदबाजी करो, डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी करो, सामने हो सकता है आपको माही मिल जाएंगे, तो वो एक अच्छा कॉन्टेस्ट मुझे लगता है कि हो सकता है। थोड़ा सा पलड़ा ऑफकोर्स होम टीम का झुका होता है, पर टॉस विल एक्चुअली डिसाइड एंड डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वंस अगेन मे द बेस्ट टीम विन। क्या बोलते हो, मयंक यादव से आपकी कराता हूँ मुलाकात, क्योंकि बंदे में दम है, मयंक गतिमान यादव ये नाम रखा मैंने इनका, और इनका ये है मेरा पहला। हाय एवरीवन, मैं हूँ मयंक यादव और ये है मेरा पहला। मेरा सबसे पहला ऑटोग्राफ हमारे लाइक वन ऑफ द फेमस फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा का था। सो जब मैं आई थिंक 11 साल का था, तो हमारे एक स्कूल में आए थे एज अ गेस्ट, सो मैंने उनसे अपना सबसे पहला ऑटोग्राफ लिया। लाइक लास्ट ईयर ही पहला अपना लाइव क्रिकेट मैच ही देखा, सो उससे पहले मैंने कभी लाइव क्रिकेट मैच नहीं देखा था स्टेडियम में, लाइक आईपीएल में ही हमारा पहला मैच जो हमारा जीटी के साथ था, गुजरात जायंट्स के साथ। तो आपने जो पहला लाइव क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखा वो उसमें आप थे। मेरे आइडल का डेल स्टेन का, सो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, उनकी बॉलिंग, उनका एग्रेशन, सो इसलिए वो मेरा उनका पहला क्रिकेट पोस्टर था मेरा। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि जब मैंने स्टार्ट करा था क्रिकेट देखना, तो फर्स्ट टाइम मैंने डेल स्टेन को देखा जब मैंने टीवी पे स्टार्ट करा देखना क्रिकेट, तो तभी से वो स्विंग पेस एग्रेशन वो सब मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब कैची लगा। अभी आपको बताया मैंने कि डेल स्टेन ही मेरे पहले आइडल थे शुरू से ही, बचपन से ही, सो मैंने उन्हीं को देख के सब एक्शन मेरा लाइक स्विंग भी सब कुछ मैंने उन्हीं से देख के लाइक कोशिश करी सीखने की। नॉन क्रिकेट पहले मेरे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सो सेम वो भी कि लाइक उनकी फिटनेस लाइक वो ट्रेन जैसे करते हैं, उनका भी एग्रेशन, उनकी सेलिब्रेशन, सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा उनका, तो इसलिए वो मेरे नॉन क्रिकेटर आइडल है। वो जिस टीम में जाते हैं मैं उसी टीम का सपोर्ट करता हूँ, सो राइट नाउ इज़ इन अल नासिर, सो आई सपोर्ट अल नासिर राइट नाउ। कोच जिन्हें मैं सब क्रेडिट देता हूँ अपने आज तक यहाँ होने का, वो तारिक सिन्हा सर ही है, उन्होंने मेरे को जितना भी बनाया लाइक कितना भी ट्रेन करा बताया वो सब तारिक सिन्हा सर। सर कभी भी एकदम किसी भी प्लेयर को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताते थे कि वो अच्छा है या वो क्या कर रहा है, लेकिन वो किसी के लाइक जरिए बताते थे हमेशा, तो वो उनकी एक सबसे बड़ी वो थी कि अगर आप वो मेरे से बात करते हैं तो लेकिन किसी और बॉलर की तारीफ या उसके बारे में उसको सिखाने के लिए बताते हैं, तो मुझे ये सबसे बड़ा वो लगा सर का। और एज अ कोच वो मतलब मैंने कभी देखा नहीं ना कभी ऐसे कोच के अंदर ट्रेनिंग ली जैसे वो बताते थे या जिस हिसाब से वो प्लेयर को देखते थे। सेम ईशांत शर्मा सर से मेरी पहली लाइक मीट हुआ था, पहले टाइम मैंने किसी इंडिया प्लेयर को देखा था। पटेल नगर में एक ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड है लाइक रामजस करके है, तो वो मतलब बिल्कुल ही मतलब एक पत्थर मिट्टी सब कुछ था, तो वो पहला मेरा क्रिकेट ग्राउंड है, तो अगर थोड़ी सी हवा चलती थी तो सारा मिट्टी आपके मुंह पे आपको रुकना पड़ता था बॉलिंग के लिए, तो वो पहला क्रिकेट ग्राउंड आई थिंक मुझे याद है अपना।
शुरू से ही वो मैं ही था जिससे मैं हमेशा बात करता था मिरर के सामने खड़े होके। कई बार घर वाले भी बोलते थे कि कर क्या रहा है, लेकिन मेरे को हमेशा खुद से ही बात करना अच्छा लगता था। कि मतलब जब से मुझे पता चला कि बात करनी अच्छी होती है, लाइक 13-14 साल या 15 साल, तब से मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ कि शीशे में खड़े होके एनालाइज करता था खुद की बॉलिंग। तो आप कभी कभी इंटरव्यू भी करते थे अपने आप को? लाइक हाँ बिल्कुल, जब लाइक मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब खेलना मैं स्टार्ट हुआ दिल्ली के लिए, और वो अंदर से फील मेरे को आ रहा था कि शायद अगर कोई इंटरव्यू ले तो मैं हाँ वो इंटरव्यू भी देता था खुद को, लाइक खुद से ही क्वेश्चन पूछता था, खुद से ही आंसर वो देता था मैं सब कुछ। स्पाइक्स आते थे पहले, शायद वो अभी नहीं आते, आमसू करके कोई स्पाइक्स आते थे, या वो मैंने भी कभी नहीं सुना था, लेकिन वो थोड़े सस्ते थे, इतना वो था नहीं कि मैं रीबॉक या नाइक के उस समय स्पाइक्स को अफोर्ड कर सकूँ, तो वो बहुत लाइक अफोर्डेबल थे मेरे लिए उस समय, तो मैंने वो सबसे पहले अपने स्पाइक्स लिए। सबसे फर्स्ट थिंग मैंने जो करा खर्चा, क्योंकि तारिक सर ने मुझे आज तक लाइक सर का सबको ही पता है कि वो फीस जिस जो देख सकता है उसी से लेते हैं, वरना किसी से लेते नहीं, तो मेरे से भी सर ने कभी फ़ीस नहीं लिया आज तक। तो मैंने वो फर्स्ट थिंग सर को ही उन पैसों से फ़ीस दी थी जितनी मतलब मैं दे सकता था उस समय, तो मेरा फर्स्ट थिंग वो था कि सर को मैंने फीस दी थी उससे, फर्स्ट अर्निंग से मेरी। तो वो फर्स्ट अर्निंग क्या था? अराउंड लाइक अ प्लेट फॉर अंडर 19 दिल्ली, सो कुछ 4-5 लाख थे, तो मैंने अराउंड शायद 50-60 thousand सर को दिए थे उसमें से। उस समय वही आई थिंक सिद्धू सर ही ज़्यादा फेमस थे, तो IPL में भी और नॉर्मल इंडियन टीम में या स्टार स्पोर्ट्स में जो भी वो कमेंट्री होती थी उसमें सिद्धू सर ही शायद ज़्यादा फेमस थे, तो वो मुझे याद है। लाइक ओ तेरी बोले याओ में फर्स्ट इंटरव्यू आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने दिया यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स हमारी ऑफिशियल टीम को ही। सो लाइक इट वाज क्वाइट नर्वस टाइप था थोड़ा, लेकिन ठीक था कि अब आपने काफ़ी दिए। अब तो हाँ उसके बाद से तो दिए बहुत सारे, अब तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं थोड़ा बहुत। और आप आकाशवाणी भी देखते? हाँ मैंने देखे बहुत सारे एपिसोड उनके। साइन आई थिंक लास्ट ईयर मैंने एयरपोर्ट पे अपना लाइक फर्स्ट ऑटोग्राफ साइन करा, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरा क्यों ऑटोग्राफ लेगा कोई, कि लाइक मैं कभी खुद को ऐसा देखता नहीं कि एज अ स्टार या कोई IPL प्लेयर, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ही देखता हूँ सबको, तो मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि कोई मेरे साथ फ़ोटो या ऑटोग्राफ वो क्यों लेगा, क्योंकि मैं कभी हूँ नहीं कि मैं किसी का ऑटोग्राफ लूँ या किसी से फ़ोटो लूँ, मैं सिर्फ एक मैंने एक ईशांत शर्मा भैया का लिया है और एक मैं और ऑटोग्राफ बस चाहता हूँ या फ़ोटो चाहता हूँ वो है डेल स्पिन, बस फिर मैं किसी के साथ नहीं चाहता फ़ोटो या ऑटोग्राफ, तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि मुझे कोई क्यों फ़ोटो लेगा मेरी या ऑटोग्राफ लेगा। मैंने लास्ट ईयर दिया ऑटोग्राफ बहुतों को, लेकिन थोड़ा सा मुझे जब मैं वापस जाता हूँ रूम में तो थोड़ा सा अजीब लगता मुझे। एक और चीज़ है इसमें ऑटोग्राफ सेम मुझे फीलिंग आ रही है अभी भी। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, प्लीज डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा मयंक यादव का मेरा पहला मतलब बताइएगा जरूर। प्रोमो का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज डू चेक इट आउट, प्ले वाइजली इन्वेस्ट सेंसिबली। टेलीग्राम का लिंक भी है वो भी जरा देख लीजिएगा, कल फिर मिलेंगे मस्ती करेंगे, और एक इंडिया की सिलेक्शन का मैंने अपना रिएक्शन वीडियो भी डाल दिया है, तो प्लीज डू चेक दैट आउट एज वेल। Thank you for watching.